गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स उसी से रिलेटेड है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने लास्ट वीडियो में अपना क्वेश्चन नंबर 8 किया था, आज जैसा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको प्रॉपर्टी की हेल्प से ही इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ज़्यादातर सारे प्रूफ के क्वेश्चन हैं, इस तरह से करना है कि आपका जो डिटरमिनेंट है वो है एक्स प्लस फोर टू एक्स टू एक्स टू एक्स एक्स प्लस फोर टू एक्स एंड टू एक्स टू एक्स एक्स प्लस फोर। इस इक्वल टू दिखाना है फाइव एक्स प्लस फोर एंड फोर माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे मेन मैंने जो आपको आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि वन बन जाए या फिर जीरो बन जाए, तो उससे हमारी कैलकुलेशन डिटरमिनेंट की जो कैलकुलेशन है बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, कभी कभी हम ये भी देख लेते हैं कि भाई हमारा जो प्रूफ है हमें किस फॉर्म में लेके आना है, उसके अकॉर्डिंग भी हम अपने ऑपरेशन लगा लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखा कि हमें लाना है 5x plus 4, तो 5x plus 4 कैसे आ सकता है कि यदि मैं आर वन आर टू आर थ्री को एड कर लेता हूँ। तो यहां से देखिए 2x plus 2x 4x और प्लस एक्स 5x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ से भी 2x प्लस एक्स प्लस 2x 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4, यानी कंप्लीटली यदि तीनों रो को ऐड कर देता हूँ तो मुझे 5x प्लस 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से करते हैं। देखिए x प्लस 4 2x एंड 2x 2x x प्लस 4 एंड 2x 2x x plus 4 r1 plus r2 plus r3 तीनों को ऐड किया और एक r1 की जगह रख दिया, किसी की जगह भी रख सकते हो, r1 की जगह रख दिया। सो 2x 2x और x 5x plus 4 5x plus 4 एंड 5x plus 4, यहाँ पर हमारे पास 2x बचेगा, यहाँ पर भी 2x बचेगा, x प्लस 4 2x 2x एंड x प्लस 4। ठीक है, उसके बाद देखा हमने कि 5x प्लस 4 जो है फर्स्ट r1 में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम r1, तो 5x प्लस 4 को r1 में से कॉमन ले लिया, तो 5x प्लस 4 यदि r1 में से कॉमन आ जाएगा तो किस तरह से दिखा देगा, 1 1 1 2x 2x x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4 बन गया। 1 बनते ही हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है, और 0 बनाना बहुत इजी हो जाता है। जैसे ही हमारे डिटरमिनेंट में 1 बन जाते हैं तो 0 बनाना बहुत इजी है। अब पहले में तो हमने r1 माइनस r2 करके 0 बनाया था, अब यहाँ पे r1 में से r2 को माइनस करके तो 0 बनेगा नहीं, लेकिन यदि ऐसे माइनस करूँ तो 0 बन जाएगा। तो यानी ऑपरेशन कौन से लगेंगे, कॉलम के c1 माइनस c2 c2 की जगह एंड c2 माइनस c3 c3 देखो c1 में से c2 1 में से 1 माइनस होगा 0, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 4, क्योंकि 2x में से x माइनस 4 माइनस हो जाएगा और 2x में 2x माइनस हो जाएगा 0। ऐसे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस x और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x माइनस 4। ठीक है, तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि मेरे जो है 3 जीरोस बन गए। ठीक है, तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए। अब देखिए, तो यदि मैं r1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूंगा तो फर्स्ट ये वाला डिटरमिनेंट मेरा आ जाएगा और बाकी 0 0 रहेगा, तो सारा कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर देता हूं, एक्सपेंडेड अबाउट r1।
यानी 5x प्लस 4 1 डिटरमिनेंट क्या आएगा, x माइनस 4 0, 4 माइनस x, x माइनस, क्योंकि 1 के साथ में ये डिटरमिनेंट माइनस 0, तो 0 रहेगा, तो बाकी 0 से मल्टीप्लाई करने पर टोटल 0 हो जाएगा आपका, और नेक्स्ट 0 इसको छोड़ देंगे हम, तो इसलिए यहाँ पर हमारा x प्रिंट हो जाता है, और यहाँ पर x माइनस x प्लस 4, 5x प्लस 4, और इसको एक्सपेंड करोगे, देखिए इवन है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई x माइनस 4, x माइनस 4, इसकी इसमें मल्टीप्लाई x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और माइनस 0, कंप्लीट 0, दिस इज प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, तो है ना बोती जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है डिटरमिनेंट का, बस आपको सोचना है कि हम इसमें 1 या 0 कैसे बना सकते हैं, किस ऑपरेशन को लगा कर 1 या 0 बना सकते हैं, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, ठीक है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन।